बाद बांग्लादेश की जहां राजनीतिक अनिश्चितता का असर भारत बांग्लादेश व्यापार पर गहराता जा रहा है। सीमा पर व्यापार अब भी पूरी तरीके से सामान्य नहीं हो पाया है। यूरोप और अन्य विकसित देशों के कपड़ा कारोबारी बांग्लादेश में नए ऑर्डर्स कम प्लेस कर रहे हैं और भारत से एक्सपोर्ट होने वाले कॉटन की सप्लाई पिछले एक महीने में घटी है। NDTV से एक्सक्लूसिव बातचीत में कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर हालात नहीं सुधरे तो भारत के पास कई दूसरे विकल्प भी हैं। तो आपको बता दें कि ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है। गिरिराज सिंह ने NDTV से एक्सक्लूसिव बातचीत की, कपड़ा मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि अगर हालात नहीं सुधरे तो भारत के पास और भी विकल्प हैं। ना मुझे वियतनाम से चैलेंज है, ना बांग्लादेश से चैलेंज है, क्योंकि टेक्सटाइल लेबर बेस इंडस्ट्री है, हम सबसे ज़्यादा ऊपर हैं। और अब तो बांग्लादेश ऐसे लोगों के हाथ में चला गया है, भगवान न करे कुछ हाथ में जाए, अगर चला गया तो पाकिस्तान को वो बीट कर देगा, तो जाने वाला सोचेगा। टेक्सटाइल सेक्टर के स्टेकहोल्डर्स को वाणिज्य भवन में संबोधित करते हुए कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने बांग्लादेश के राजनीतिक हालात पर चिंता जताते हुए ये बात कही। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों में बांग्लादेश में राजनीतिक घटनाक्रम का सीधा असर भारत बांग्लादेश व्यापार पर पड़ा है। भारत से करीब 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कॉटन फैब्रिक बांग्लादेश एक्सपोर्ट होता है, लेकिन वहां जारी राजनीतिक संकट की वजह से पिछले एक महीने में कॉटन यार्न और कॉटन फैब्रिक दोनों का एक्सपोर्ट भारत से घटा है। इसको लेकर भारतीय कारोबारियों की चिंता बढ़ती जा रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि हालात सुधर जाएंगे, लेकिन अगर हालात बिगड़ता है तो भी हमारे पास कई ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं। पर व्यापार अभी सामान्य नहीं हो पाया, सीमा पे अभी भी ट्रकों की आवाजाही में दिक्कत है, ऑर्डर्स कम आ रहे हैं बांग्लादेश से, वो सारी कठिनाइयां हैं। मैंने कहा कि ये आने वाले दिन में सॉल्व होना चाहिए, अगर नहीं सॉल्व हुआ तो भी भारत के अंदर कोई असुविधा नहीं। बांग्लादेश ग्लोबल गार्मेंट ट्रेड में मैनमेड फैब्रिक्स का हब माना जाता है। वहां संकट की वजह से रेडीमेड गार्मेंट्स की सप्लाई प्रभावित हो रही है। इसका सबसे ज्यादा असर मैनमेड फैब्रिक्स पर पड़ने की आशंका है। यहां से जो हमारा निर्यात हो रहा था, एक्सपोर्ट हो रहा था, उसमें डेफिनेटली असर है। जहां तक सवाल है, हमारे यहां से गार्मेंट एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज, उसमें देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि शॉर्ट टर्म में बांग्लादेश को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उनके पास जो ऑर्डर्स प्लेस्ड हैं, जो कपड़ा वहाँ ऑलरेडी पहुँच गया है, उसको तो एक्सिक्यूट करना ही है। सवाल यह है कि लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में, और आज की डेट में मैं ये कह सकता हूँ विदाउट नेमिंग एनी बायर कि यूरोपियन बायर्स जो सबसे ज़्यादा जिनका एक्सपोजर था वहाँ, जिनका एक्सपोजर 48% टू 60% का एक्सपोजर था, वो डेफिनेटली दे आर इन टू माइंड्स कि अपना एक्सपोजर बढ़ाएं या ना बढ़ाएं। 2023-2024 के दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच करीब 13 अरब डॉलर का कारोबार था, जिसमें से करीब 11 अरब डॉलर की हिस्सेदारी भारत से निर्यात होने वाले सामानों की थी। जाहिर है, भारत सरकार और कपड़ा व्यापारियों को आने वाले दिनों में बांग्लादेश के बदलते हालात पर कड़ी नजर रखनी होगी। दिल्ली से विवेक मठपाल के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।